चैनल भोजन मंत्रा। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल सेफ। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी लेके आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि तरबूज के छिलके से टूटी फ्रूटी कैसे बनाते हैं। जिस छिलके को आप खाकर फेंक देते हैं उसे आप यूज कर सकते हैं एक इंटरेस्टिंग रेसिपी में। इसे बच्चे बहुत ही ज्यादा पसंद करेंगे। इसे बनाना आसान तो है ही, और इसे एक बार आप जब बना लेंगे तो मार्केट से खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए टूटी फ्रूटी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने तरबूज लिया है, इसके छिलके को हम काट कर अलग कर लेंगे। पहले हम ये रेड पोर्शन को काट लेंगे, इसके बाद ये जो आप ग्रीन पोर्शन देख रहे हैं उसे भी हम काट के अलग कर लेंगे। हमें सिर्फ ये बीच वाला व्हाइट सेक्शन चाहिए टूटी फ्रूटी बनाने के लिए, तो हम इसे काट लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये रेड वाला पोर्शन काट के अलग कर लिया है। अब हम इसके पीछे के ग्रीन वाले छिलके को भी अच्छे से कट करके निकाल लेंगे। आप चाकू की हेल्प से इसे काट के अलग कर सकते हैं, या फिर आप इसे पील कर लें। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके छिलके को काट के अलग कर लिया है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से हम बाकी के तरबूज के छिलके को भी काट कर अलग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी तरबूज के छिलके को काट के अलग कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसके हम छोटे छोटे पीसेस बना लेंगे। पहले हम इस तरह से इसको काट लेंगे। इस तरह से हम कट करके इसके छोटे छोटे पीसेस बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस कट करके तैयार कर लिए हैं। अब इसको हमें उबालना है। इसके लिए मैंने एक बर्तन में पानी गर्म होने के लिए गैस पे चढ़ा लिया है। पानी को हम पहले उबलने देंगे, इसके बाद इसमें हम कट किए हुए पीसेस को डालेंगे। आप देख सकते हैं पानी हमारा उबल गया है, इसमें अब हम कट किए हुए पीसेस को डाल लेंगे। 5 मिनट तक इसे हम उबलने देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। एक प्लेट से हम इसे ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे उबलने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, इसे हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है, ये थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंट हो गया है। जब ये ट्रांसपेरेंट दिखने लगे तो इसका मतलब है ये अच्छे से पक गई है। अब गैस के फ्लेम को हम ऑफ कर लेते हैं, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो गया है, आप देख सकते हैं। अब इसे हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे, तब तक हम इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए एक सस्पेन मैंने गैस पे चढ़ा लिया है, इसमें 1 कटोरी चीनी डालेंगे, 2 कटोरी पानी मिला लेंगे। इसे हम चलाते रहेंगे ताकि चीनी जो है अच्छे से घुल जाए। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, चीनी अच्छे से घुल गई है। एक उबाल आने तक इसे हम पका लेंगे। आप देख सकते हैं चीनी हमारे अच्छे से घुल गई है और इसमें उबाल भी आ गया है। अब इसमें हम ये उबले हुए पीसेस को डाल लेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट तक हम फिर से इसे चाशनी के अंदर पकने देंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, चाशनी में उबाल आ गया है, चाशनी हमारी अच्छे से उबल गई है। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे, इसे अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तरबूज के छिलकों के जो पीसेस को हमने चाशनी में उबाला था वो ठंडी हो गई है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। थोड़ा थोड़ा सिरप के साथ हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको बाउल्स में निकाल लिया है। यहाँ पे मैं 3 कलर का टूटी फ्रूटी बनाऊंगी, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 फूड कलर लिए हैं। मैंने ऑरेंज रेड कलर लिया है, ग्रीन कलर और येलो कलर लिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये ऑरेंज रेड कलर मिलाऊंगी। यहाँ पे मैं ये ऑरेंज रेड कलर डाल रही हूँ, इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से।
उसके बाद ग्रीन कलर डालेंगे, मिला लेंगे इसको अच्छे से। अब मैं येलो कलर डालूंगी, मिक्स कर लेंगे इसको। इसको हम एक घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि कलर्स इसके अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। एक घंटा हो गया है, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आया है इस टूटी फ्रूटी का। इसे अब हम टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा ऑरेंज रेड कलर आया है। ये देखिए, मैंने ऑरेंज रेड कलर का टूटी फ्रूटी निकाल लिया है। इसी तरह से हम सभी टूटी फ्रूटी को निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे टूटी फ्रूटी को एक टिश्यू पेपर पे निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इसका। टिश्यू पेपर पे निकालने से इसका जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है, एक्स्ट्रा चाशनी है, टूटी फ्रूटी से निकल जाएगी। इसके बाद हम इसे एक अलग प्लेट में सुखा लेंगे। आप इसे धूप में 2 से 3 घंटे के लिए सुखा सकते हैं, या फिर आप पंखे के नीचे 6 से 7 घंटे के लिए भी सुखा सकते हैं। सूखने के बाद इसका जो भी मॉइस्चर है वो बिल्कुल अच्छे से निकल जाएगा और हमारी बिल्कुल फ्रेश ड्राई टूटी फ्रूटी बनके तैयार हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसे सूखने के लिए रख देंगे। ये देखिए, मैंने टूटी फ्रूटी को एक प्लेट में निकाल लिया है, अब इसे हम सूखने के लिए रख देंगे। और ये जो चाशनी हमारी बची है, आप इसे अपने कोई भी पसंद के फ्लेवर का सिकंजी बनाने में यूज कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, टूटी फ्रूटी बहुत ही अच्छे से सूख गई है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, बिल्कुल मार्केट जैसा टूटी फ्रूटी लग रहा है। आप इसे जरूर ट्राई करें। आप देख सकते हैं इसके एक एक दाने बिल्कुल अलग अलग हैं। बहुत ही अच्छी और रसीली टूटी फ्रूटी बनी है। फ्रेंड्स, आप टूटी फ्रूटी को अलग अलग कलर्स में भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप इस टूटी फ्रूटी को मिक्स कर लें, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। इस तरह से भी आप इसको यूज कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स के टूटी फ्रूटी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये टूटी फ्रूटी की रेसिपी? ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप इसे जरूर ट्राई करें। आप अपने बच्चों के लिए फेवरेट आइसक्रीम में इसे यूज कर सकते हैं, कुकीज बनाने में यूज कर सकते हैं, केक बनाने में यूज कर सकते हैं, किसी भी तरह का डेजर्ट बनाने में यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, झटपट बन जाती है और कम समय में बन जाती है। आप इसे लॉन्ग टाइम तक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, करीब 1 महीने तक ये आप इसे यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, आप एयर टाइट कंटेनर में इसे स्टोर कर फ्रिज में रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपकी टूटी फ्रूटी कैसी बनी है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।